इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे जो आज आईपीएल का मैच होगा राजस्थान वर्सेस बैंगलोर के बीच, इसके बारे में। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईपीएल के जो 12 मैचेस गए हैं, देखिए हमने एक मैच को आप छोड़ दो, आप जान दो एक मैच में हमारा लॉस हुआ था, 11 के 11 मैच में वन साइडेड विनिंग की है। और उसका मैं हर बार जैसे ही मैच कंप्लीट होता है उसका रिजल्ट भी शेयर करता हूँ टेलीग्राम चैनल में, जो बंदे हमसे पहले से जुड़े हुए उनको मालूम है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हो ना, ये बहुत स्पेशल वीडियो है, स्पेशली उन यूजर्स के लिए जो ग्रैंड लीग खेलते हैं। तो सबसे पहला जो वीडियो का स्पेशल पॉइंट था वो ये कि जिस भी भाई ने इस वीडियो पे पहला लाइक और कमेंट किया उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि वो 1000 रुपये फ्री में विन कर गया। अगली जब वीडियो आएगी उसमें भी इसी तरीके का गिव अवे रहेगा, और ये जितने भी गिव अवेज रहते हैं वो उनके लिए होते हैं जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर आप लोग ऐसे यूजर हो जो पहली बार इस चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर ले ताकि जब अगली वीडियो आए वो आपको मिले, और उसके अलावा जितने भी गिव अवेज आए आप उनमें पार्टिसिपेट कर पाओ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट काम है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना। रीजन क्या है, देखिए गाइस रीजन सिंपल सा है, जो आपको फाइनल टीम मिलेगी चाहे वो स्मॉल लीग की हो, जैसे मैंने कल आपको ये फाइनल टीम दी थी, ठीक है, और जो रिजल्ट आया था वो आपके सामने, 173 कॉन्टेस्ट मैंने ज्वाइन किए थे और 145 कॉन्टेस्ट मैंने विन किए थे, ठीक है, सेम टीम से जो मैंने आपको दी थी। तो जो फाइनल टीम होगी चाहे आप स्मॉल लीग खेलने वाले यूजर हो या फिर ग्रैंड लीग वाले, वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। और एक काम मैं आपको कहना चाहूँगा, इस वीडियो के ऊपर आपके लिए 3000 लाइक्स का टारगेट है, मुझे उम्मीद है आप लोग लाइक जरूर करोगे। जिस भी भाई जो भी वीडियो को देख रहा है लाइक जरूर कर देना। नाउ दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं मैच का काउंटडाउन। देखिए मैच का पहला पॉइंट होगा कि आप जानते हो इस मैच के अंदर क्रेडिट की इश्यू आने वाली है। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल आपको ही आएगी, सबको आएगी। जब सबको क्रेडिट की इश्यू आए ना, तो एक चीज क्लियर मान के चलना कि ये जो मैचेस होते हैं ये ग्रैंड लीग के बहुत अच्छे मैचेस होते हैं। क्योंकि देखिए जब भी कभी भी, याद रखना मैं आज आपको बोल रहा हूँ, जब भी कभी ज्यादा क्रेडिट की इश्यू आती है ना, तो कोई ना कोई बड़ा प्लेयर फ्लॉप होता ही होता है। और मैं आज आपको दो प्लेयरों के बारे में बताऊंगा जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है फ्लॉप होने की। तो सबसे पहले मैं नाम लूंगा यहां से फाफ डू प्लेसी का। अब आप कहोगे कि यार फाफ डू प्लेसी कैसे फ्लॉप होगा, तो गाइज मैं ये तो गारंटी देता नहीं हूं कि ये फ्लॉप होगा, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसका मैं आपको रीजन बता सकता हूं। अच्छा रीजन क्या है तो वो आप लोग देख लीजिए। सो गाइज देखिए राजस्थान की टीम में ट्रेंट बोल्ट खेल रहा है, ठीक है, 4 इनिंग में, यानी कि आज से पहले जो 4 मैच हुए जिसमें ट्रेंट बोल्ट और डू प्लेसी खेले हैं, उसमें 4 में से 3 बार ट्रेंट बोल्ट ने इनको आउट किया है। तो और ट्रेंड बोल क्या गजब के बोलर वो आपको पता ही है। तो पहला पॉइंट आपको अगर ध्यान रखना है, देखिए स्मॉल लीग में ड्रॉप करो ये तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि डू प्लेसी ऐसा प्लेयर है जो अकेला गेम को खत्म कर सकता है, ठीक है, लेकिन जीएल में आपको ऐसे ही प्लेयर को, देखिए होता क्या है जनरली मैं आपको है ना वन कैप्टन फॉर्मूला बताता हूं, आप लोग जानते ही हो वन कैप्टन फॉर्मूला क्या है, लेकिन कई बार ऐसी भी चीजें होती है जैसे कि आपने कोई बड़ा प्लेयर ड्रॉप कर दिया, जैसे कि कल क्विंटन डीकॉक था, सब लेके आ रहे थे, कितने लोगों का कॉम्बिनेशन बिगाड़ा है डीकॉक ने, तो वही सेम हाल आज वाले मैच में होगा, आपको कोई ना कोई बड़ा प्लेयर ड्रॉप करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने डू प्लेसी का बताया है ना, अब इसी तरीके से जैसे फ्लॉप होने वाले प्लेयर है ना, तो उसी लेवल में अच्छे परफॉर्मेंस दिखाने वाले प्लेयर भी होते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा, बस रिक्वेस्ट है कि यार देखिए ध्यान से वीडियो देखना, क्योंकि मैं ज्यादा लंबी वीडियो करता भी नहीं हूं, जो भी वीडियो होती है वो मैं आपको पूरी मेन डिटेल्स बताता हूं। तो गाइस सबसे पहला हम पॉइंट जो देखेंगे वो देखेंगे ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, हालांकि मैं ऑलरेडी सारी चीजें बता चुका हूं, तो मतलब उतनी ज्यादा इफेक्टिव चीजें मैं नहीं बताऊंगा, मतलब जो शॉर्ट चीजें रहेगी ना जो समझ में आपके जल्दी भी आए और टाइम भी कम लगे, वहां मैं आपको लेके जा रहा हूं, फिर जीएल के पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस ग्राउंड जो है ना बैलेंस विकेट है, हालांकि यहां पे आप देखोगे आज काफी सारे गजब के बैट्समैन खेल रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी आपको अच्छी बैटिंग दिख सकती है, लेकिन लास्ट जो मैच हुआ था यहाँ पे पंजाब का और कोलकाता का, उसमें आपने देखा होगा पंजाब की टीम के 10 विकेट चले गए थे और कोलकाता के 4 विकेट चले गए थे। तो बॉलिंग भी अच्छी होती है, बैटिंग भी अच्छी होती है, बैलेंस विकेट लिखा ही इसीलिए, ठीक है। उसके बाद आप ये भी ध्यान देना कि फास्ट बॉलर यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं स्पिन बॉलर के कंपेरिजन में। अब फास्ट बॉलर कौन से हैं? अच्छा एक चीज ध्यान देना, ये 2 प्लेयर आज इस मैच में खेल सकते हैं, ये न्यूज आई है, बाकी चांसेस तो कम है लेकिन ये खेल सकते हैं, क्योंकि देखिए मैक्सवेल कैसा प्लेयर है और हेजलवुड, मैं सिर्फ इतना कहूंगा अगर खेलेंगे तो आपको रखना ही है, ठीक है, तो ये खेल सकते हैं, इनके चांस बनते हैं। सो गाइस दोनों साइड से जो फास्ट बॉलर्स हैं, जैसे राजस्थान की तरफ से कृष्णा हो गए और ट्रेंट बोल्ट हो गए, एंड उसके अलावा अगर आप लोग देखोगे आरसीबी की साइड से हेजलवुड अगर खेलते हैं तो
हर्षल पटेल हो गए, विल्ली हो गए और सिराज हो गए, छह ही प्लेयर आ सकते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो ये फास्ट बॉलर्स हैं और ये स्पिन बॉलर है, हसरंगा हो गए, मैक्सवेल हो गए, अश्विन हो गए, चहल हो गए, ठीक है। तो स्पिनर्स का परफॉर्मेंस यहाँ पे उतना इफेक्टिव नहीं रहता जितना फास्ट बॉलर्स का होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक पॉइंट ये ध्यान देना कि अश्विन का रिकॉर्ड आरसीबी के खिलाफ राजस्थान की टीम में सबसे बेहतरीन है, 12 विकेट लिए आरसीबी के अगेंस्ट, और बैटिंग में संजू सैमसन ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है आरसीबी के अगेंस्ट, और उसके अलावा आरआर के अगेंस्ट हर्षल पटेल के सबसे ज़्यादा विकेट है और बैटिंग में विराट कोहली के सबसे ज़्यादा रन्स हैं। एक बार प्लेइंग 11 देख लेना, जोस बटलर जयसवाल ओपनिंग करेंगे, पड्डीकल वनडाउन, सैमसन, हेटमायर, पराग, अश्विन, नवदीप सैनी, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा और युजवेंद्र चहल। ओपनिंग में बोल्ट और कृष्णा दिखेंगे, डेथ में बोल्ट का तो फिक्स है, अब ये सैनी के साथ या कृष्णा के साथ किसी एक के साथ आने वाला है, ठीक है। बेंचमैन के जो प्लेयर है वो आप लोग देख सकते हो। अब गाइस यहां से मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूं कि देखिए आप जानते हो बटलर ने लास्ट मैच में 100 का स्कोर किया था, ठीक है। अब कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो ये सोचेगा कि यार बटलर को मैं ड्रॉप कर दूं। अब मैं भी नहीं कह रहा हूं कि आप ड्रॉप करो, लेकिन मैं आपको एक रीजन बताता हूं। ग्रैंड लीग जो खेलेंगे, ग्रैंड लीग तो देखिए खेलनी है, मैं गारंटी देता हूं आपको कि स्मॉल लीग देखो खेलो मत, ठीक है, इस मैच में ड्रीम पे, बाकी ग्रैंड लीग जरूर खेलो। और जब ग्रैंड लीग खेलोगे ना तो बड़े प्लेयर को ड्रॉप भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ड्रॉप नहीं करोगे तो आपकी टीम भी नहीं बनने वाली है। तो बटलर का मैं आपको एक बात बता देता हूं कि बटलर का एक तो लास्ट मैच में 100 का स्कोर आ गया, ठीक है। तो अब बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इस मैच में फ्लॉप होने वाला है। और उसके अलावा लास्ट मैच जो था ना बटलर का आरसीबी के अगेंस्ट, उसमें सिराज ने पावर प्ले के अंदर ही बटलर को आउट कर दिया था, और सिराज पावर प्ले में बॉलिंग भी करेगा। तो जैसे मैंने आपको डुप्लेसी का बताया बोल्ट के खिलाफ थोड़ा सा रिकॉर्ड गलत है, तो वही सेम चीज बटलर का है। और बटलर की पॉसिबिलिटी डुप्लेसी से ज्यादा है, क्योंकि बटलर ऑलरेडी 100 का स्कोर करके आ रहा है लास्ट मैच में। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। हालांकि मैं चाहता बिल्कुल भी नहीं हूं कि बटलर फ्लॉप हो, क्योंकि राजस्थान मेरी फेवरेट टीम है, और अगर बटलर फ्लॉप हुआ तो लगभग 30% राजस्थान की टीम हार जाएगी। मैं चाहता बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन भाई जीएल में मुझे करना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। तो ये चीज का भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा था प्लेइंग 11 की बात कर रहा था ना, तो पड्डीकल हो गए, हेटमायर हो गए और रियान पराग अश्विन, ये भी हो गया सेकंड टीम थी आरसीबी। फाफ डुप्लेसिस रावत ओपनिंग करेंगे, कोहली वन डाउन, यहाँ पे शार्प एंड रदरफोर्ड थे, लेकिन मैक्सवेल की पॉसिबिलिटी इस मैच में खेलने की है, तो मैक्सवेल खेलने चाहिए। फिर शाहबाज अहमद है, दिनेश कार्तिक है, ये मतलब बैटिंग के लिए ऊपर भी आ सकते हैं, ठीक है। वानिंदु हसरंगा है, जिन्होंने लास्ट मैच में आपने देखा होगा गजब की परफॉर्मेंस दिखाई, और विल्ली और जोश हेजलवुड में से कोई एक खेलेगा, तो विल्ली के चांस थोड़े से कम है और हेजलवुड, क्योंकि इनका मतलब देखिए बैटिंग में मैक्सवेल इनके पास आ गया है, फिर हसरंगा भी है, तो विल्ली को मतलब ऐसे खिलाया गया था कि बैटिंग डिपार्टमेंट में भी काम दे, बट अभी ऑलरेडी मैक्सवेल जैसे प्लेयर आ गए हैं, तो मे भी हेजलवुड इस मैच में खेल सकते विल्ली के पैलेस में। उसके बाद यहाँ से हर्षल पटेल, सिराज है, आकाशदीप है। देखिए एक बात का आपको ध्यान देना है, अगर जोश हेजलवुड खेलता है ना, अब जो ग्रैंड लीग वाले बंदे होते हैं ना, वो क्या है बहुत डीपली टीम्स को रेडी करते हैं, क्योंकि उनको पूरे बेस पे अच्छी टीम्स चाहिए होती है। अब देखिए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ये शायद आपको कोई और नहीं बताएगा, अगर हेजलवुड खेलता है तो ये पूरे 4 ओवर करेगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। हर्षल पटेल मेन बॉलर 4 ओवर करेगा ही करेगा, 8 ओवर सिराज 4 ओवर करेगा ही करेगा, 12 ओवर हसरंगा 4 ओवर करेगा ही करेगा, कितने हो गए 16 ओवर, ठीक है। अब 4 ओवर में आकाशदीप है, उसके बाद यहाँ पे इनके पास जो रहेगा शाहबाज अहमद है और मैक्सवेल है। तो एक चीज ध्यान देना, जो ये है आकाशदीप, इन्होंने लास्ट मैच में क्या है 3 विकेट लिए थे, तो अभी जो है ना कहाँ गया भाई बंदा, ये रहा 30% सिलेक्टेड है, हालांकि क्रेडिट इश्यू के कारण लोगों ने इसको लिया हुआ है, लेकिन जीएल के जो मास्टर्स हैं ना वो इसको लेके जरूर जाएंगे। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसकी एक तो है ना लास्ट मैच में 3 विकेट, जैसे बटलर का था लास्ट मैच में गजब का परफॉर्मेंस, तो सेम हाल इसका रहने वाला लास्ट मैच में परफॉर्मेंस था। प्लस पॉइंट ये भी है कि इसके बॉलिंग के चांस अगर हेजलवुड खेलता है तो डाउन हो जाएंगे 1 से 2 ओवर, तो आपकी जो जीएल टीम्स है ना उनको आप खराब मत करना। ये 30% सिलेक्टेड है, जहां तक मेरा आइडिया है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जीएल तो खेलेंगे ही और उस केस में इसको भी लेंगे, तो इसके बॉलिंग के चांस बहुत डाउन हो जाएंगे अगर हेजलवुड खेलता है तो ड्रॉप कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि आप लोग ट्रंप को लेके चलते हो, कई बार आपको ट्रंप को ड्रॉप भी करना पड़ता है। सारी देखिए एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जितनी भी टीम्स रेडी करोगे ना, ये या तो डुप्लेसी को ड्रॉप कर देना या बटलर को ड्रॉप, या दोनों को मत करना, क्योंकि जीएल जितनी है तो लोगों से अलग थिंकिंग के साथ आपको टीम रेडी करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लोगों ने तो डुप्लेसी की जगह पे कोहली को ड्रॉप किया हुआ है, हालांकि मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप कोहली को ड्रॉप करो,
तो गाइज देखिए, ये जो अभी आप एक टीम देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये ऐसी टीम है जो कि लगभग ओपोनेंट जो है ना जेल में आएंगे। देखिए अभी नए मतलब ड्रीम इलेवन क्या एड चलाता रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि भाई कैसे टीम बनती है, उनको पता ही नहीं है, बस लगाना है। तो आप लोग उनसे तो काफी ऊपर चले जाओगे। तो देखिए ये एक ऐसी टीम है जो लोगों की टीम रहेगी अगर ये मैक्सवेल नहीं खेलता है और हेजलवुड नहीं खेलता है तो, क्योंकि अगर वो खेलेंगे तो फिर भाई पूरा गेम चेंज हो जाएगा। और मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ ना वो ये कि यार या तो आप लोग बटलर को ड्रॉप करो, करना तो पड़ेगा भाई, जीएल खेल लो, करना पड़ेगा, नहीं फिर वैसे तो वैसे भी नहीं आएगी जीएल, आप जानते हो। तो क्या करोगे आप लोग, या तो इसको ड्रॉप करो या इसको करो। देखिए कोहली के परफॉर्मेंस के चांस बहुत ज़्यादा हाई है तो मैं इसका नहीं बोल सकता हूँ आपको, एंड हेटमैर को भी आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग देखोगे तो फिर और ज़्यादा, देखिए ज़्यादा पॉइंट आपको बताऊँ ना आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे, इसीलिए अभी मैं क्या करता हूँ आपको डेमो टीम देता हूँ 6 जो ग्रैंड लीग में आप यूज करोगे, ठीक है। और उन टीम्स में मैं हेजलवुड और मैक्सवेल को ये मान के चल रहा हूँ कि खेलेंगे, अगर नहीं खेलते हैं तो फिर मैं जो अपडेटेड टीम्स होगी वो टेलीग्राम पे आपको शेयर कर ही दूंगा। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि टेलीग्राम से अगर आप लोग नहीं जुड़े हो ना तो आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जो फाइनल आपको टीम मिलेगी ना वो टेलीग्राम पे ही मिलेगी, ठीक है। तो जो 6 कॉम्बिनेशन है वो रिस्की कॉम्बिनेशन है, और उसके अलावा जो मैं स्मॉल लीग खेलूंगा वो कहाँ पे खेलूंगा, वो फेंटा पे खेलूंगा, फेंटा फीड पे, ठीक है। तो वो आप लोग चाहो तो खेल सकते हो, नहीं चाहो तो मर्जी आपकी है। बाकी मैं डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको करना हो तो, नहीं करना हो तो फिर ड्रीम पे खेल। बट ये है यार, देखिए खेलने को खेल सकते हो, मना नहीं है ड्रीम पे, बट बहुत ज़्यादा रिस्क है, आप खुद देख लो यार, टीम ही नहीं बन पाएगी, सिंपल सी बात। मैं तो नहीं खेलने वाला हूँ, ठीक है, और ना ही प्राइवेट कॉन्टेंट शेयर करूंगा, ये भी ध्यान देना। मैं डायरेक्टली जीएल खेलूंगा और मैं जीएल की ही टीम दूंगा आपको ड्रीम इलेवन की, ठीक है। और टीम कितनी दूंगा, या तो 10 ही दूंगा क्योंकि टाइम कम रहता है मेरे पास, तो मैं अभी के लिए तो 6 डेमो टीम दे रहा हूँ, और बाकी के फिर जो अपडेटेड कॉम्बिनेशन होंगे वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए मेरे जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस देखिए मेरी ये टीम 1 है, अब मैं आपको बता देता हूँ ये मैंने बनाई कैसे है। देखिए मैंने ये एक्सपेक्ट किया है कि जो राजस्थान की टीम है ये करेगी पहले क्या बैटिंग, ठीक है, और जब बैटिंग करेगी तो इसमें क्या इनके जो 4 बढ़िया परफॉर्मेंस रहे जो देंगे वो यही रहेंगे। और जो बैंगलोर की टीम है जब बोलिंग से विकेट जाएंगे तो कौन लेगा, वानिंदु हसरंग और मैक्सवेल, ठीक है। तो स्पिन को हालांकि उतनी हेल्प मिलती नहीं है, ये मैं आपको ऑलरेडी बोल भी चुका हूँ, लेकिन भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, मतलब टीम्स को आप ऐसे तो बना नहीं सकते हो कि मन मर्जी आई वैसे बना ली, मतलब कंडीशन बेस्ट पे आप टीम रेडी करोगे ना। तो वही चीज ही है, यहाँ पे जो मेरा कैप्टन रहेगा वो बटलर एक बार फिर से, ठीक है, और जो मेरा वीसी रहेगा वो रहेगा वानिंदु हसरंगा, क्योंकि या फिर कैप्टन मेरा हसरंगा और वाइस कैप्टन बटलर, क्योंकि मैं इससे अगर 3 विकेट की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ तो बटलर से मानूंगा कि जैसे इसने 90 पॉइंट दिए तो बटलर से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो 85 ही पॉइंट दे, क्योंकि ड्रीम इलेवन में होता क्या है एक पॉइंट से भी आप लोग ग्रैंड लीग हार जाते हो, समझ रहे हो ना। तो ये मेरी टीम है और इस टीम में कैप्टन हसरंगा है, वाइस कैप्टन बटलर, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे मैंने बोल्ट को लिया है, डुप्लेसी को ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, और ना ही सिराज वगैरह को लिया है, क्योंकि अगर मैं बटलर से एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ परफॉर्मेंस की तो सिराज को मैं लूंगा ही नहीं। अब सेकेंड टीम ऐसी रहेगी जिसमें मैं इन दोनों को नहीं लूंगा, किसको, बटलर और डुप्लेसी दोनों को, और एक टीम आएगी जिसमें डुप्लेसी रहेगा। मतलब हर बेस पे टीम है मेरी, ऐसा नहीं है कि बस आपको टीम दे दी और उसका कोई पीछे का लॉजिक ही ना हो, ठीक है। टीम 1 सेव कर लेना, कैप्टन हसरंगा है, वाइस कैप्टन बटलर है। गाइस ये मेरी टीम 2 है, इसमें आप देखोगे तो मैंने जो बटलर को नहीं लिया उसका रीज़न है सिराज को लेना, और पिछली टीम अगर आपने ध्यान दिया हो तो डुप्लेसी उसमें नहीं है। देखिए अगर डुप्लेसी नहीं चलेगा तो हमारी वो टीम परफॉर्मेंस दिखाएगी, और डुप्लेसी चला तो हमारी ये टीम परफॉर्मेंस दिखाएगी, मतलब बैकअप है हमारे पास, है ना। ये मेरी सेकंड टीम है, इसमें वीसी मैंने पटेल को इसीलिए बनाया क्योंकि पटेल डेथ में बॉलिंग करेगा, और इस टीम के बेस्ट में मैंने ये माना है कि राजस्थान की टीम पहले बैटिंग करेगी, समझ रहे हो, और फिर जब यहाँ से एक विकेट जाएगा या तो रावत का या कोहली का, कोई भी ले बट अश्विन विकेट लेगा, और अश्विन का भी मैंने आपको रिकॉर्ड भी बताया था कि सबसे ज़्यादा आरसीबी के अगेंस्ट राजस्थानी प्लेयर में इसी के हैं। तो ये मेरी टीम 2 है जो मैं जीएल में यूज करूँगा। उसके अलावा ये मेरी टीम 3 है, इसमें आप देखोगे तो ना बटलर है ना डुप्लेसी है, क्योंकि दोनों मैंने बोल्ट और सिराज को भी पिक किया है, और जैसे ही ये बटलर और डुप्लेसी जाएंगे, देखिए जैसे बटलर गया तो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन रहेगा राजस्थान की तरफ से, संजू सैमसन, तो वीसी बना दिया। डुप्लेसी गया तो आरसीबी की तरफ से कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, विराट कोहली, तो कैप्टन बना दिया। और कोहली और सैमसन में कंपेरिजन करोगे तो मैं प्रेफरेंस दूंगा विराट कोहली को, इसीलिए मेरी ये
30 में जो मैं जीएल में यूज करूंगा, ठीक है। एंड अब मैं बात करता हूँ टीम फोर की। सो ये मेरी टीम फोर है, इसमें आप देखोगे तो बटलर भी है, इसमें आप देखोगे डुप्लेसी भी है, बट जिन दोनों के बेस पे पिछले दोनों टीम मतलब टीमों में मैंने ड्रॉप किया है उन दोनों को भी नहीं लिया है ना। और कैप्टन वाइस कैप्टन कौन है? दोनों। कैप्टन यहाँ से मेरा बटलर है और वीसी मेरा डुप्लेसी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कोहली को ड्रॉप किया क्योंकि अगर कोहली चलेगा तो हमारी वो टीम रहेगी परफॉर्मेंस में, नहीं चलेगा तो हमारी ये टीम रहेगी परफॉर्मेंस में, ठीक है। इसके बाद जो अगली टीम है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस ये मेरी अगली टीम है, इसमें अगर आप देखोगे ना तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया है कि जो राजस्थान की टीम है ये पहले बॉलिंग करेगी, इनके पांचों बॉलर विकेट लेके जाएंगे, सबसे ज्यादा विकेट ट्रेंड बोल्ड लेगा। जैसे मान लीजिए 120 का टारगेट दिया, बोल्ड ने ले लिए 3 विकेट, चहल ने 1 लिया, अश्विन ने 2 लिया, इसने 1, इसने भी 1, ठीक है। और उसके अलावा डुप्लेसिस ने थोड़ा बहुत स्कोर किया, मैक्सवेल ने भी, कोहली ने भी, दिनेश कार्तिक ने भी, ठीक है। चारों अपन ने ले लिए। आप कैप्टन बना दिया किसको? बटलर को, क्योंकि मैंने यहाँ से कोई विकेट की एक्सपेक्टेशन नहीं की और ये दोनों के दोनों प्लेयर चेंज कर जाएंगे। देखिए जनरली अभी होता क्या है कम्युनिटी के अंदर, ऐसे भी है कि इन पांचों को ले लेंगे तो वीसी जयसवाल को बनाएंगे कि ये दोनों चेंज कर लेंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि बटलर सबसे ज्यादा रन बना दे और जयसवाल इतना स्कोर नहीं कर पाए कि बॉलर ने जितने विकेट से पॉइंट दे दिए, तो ये अपनी अगली टीम होगी। बिल्कुल स्ट्रेटजी बेस पे, ऐसा तुक्का नहीं है। आप देख रहे हो मैंने जितनी भी टीम बनाई है एक में भी आपको ऐसा लगा नहीं होगा कि यार बस बना ली है ना। इसके बाद मेरी ये फाइनल टीम आपको दिखा देता हूँ, एक और जो है रहने वाली वो। सो गाइस ये मेरी अगली टीम है, इसमें अगर आप देखोगे ना तो मैंने जो है ना कैप्टन बनाया डुप्लेसी को। देखिए मैं समझाता हूँ कैसे बनाई है मैंने टीम। मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि राजस्थानी टीम करेगी पहले क्या, बैटिंग, ठीक है। तीन बॉलर जो बैंगलोर की तरफ से विकेट लेंगे वो ये तीन रहने वाले हैं, ठीक है। एक ये भी हसरंगा भी, मतलब बॉलिंग की बात की ऑलराउंडर तो ये है ही ना। और उसके अलावा यहाँ से बटलर जो है जल्दी जाएगा, ठीक है, जयसवाल भी जल्दी जाएगा, यानी कि बटलर का विकेट ले लिया हेजलवुड ने, सॉरी सिराज ने, और हेजलवुड का विकेट जो जयसवाल है उसका विकेट ले लिया हेजलवुड ने, ठीक है। अब आपको बताया कि जब ये दोनों जल्दी जाएंगे तो वही सेम थिंग अभी बोली थी ना मैंने कि बटलर जाएगा तो किसके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी राजस्थानी टीम की बैटिंग की, तो वो रहेगी सैमसन पे। तो सैमसन को बीसी कर दिया और मैंने एक्सपेक्ट किया है कि सैमसन सबसे ज्यादा स्कोर करेगा राजस्थान की तरफ से। फिर हेटमायर पड्डीकल आ गए और उसके बाद मैंने कैप्टन इसको इसलिए बनाया क्योंकि ये टीम पहले बॉलिंग कर रही है और फिर जब बैटिंग करने आएगी तो सबसे ज्यादा मैं स्कोर इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो मैंने बोल्ड को नहीं लिया, मैंने आपको एक बात बोली थी बोल्ड के बेस्ट पर मैं डुप्लेसी को नहीं लूंगा, तो बोल्ड को नहीं लिया। और यहाँ से मैंने अश्विन को इसलिए लिया है क्योंकि मैं एक विकेट एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ और वो जाएगा रावत का, और रावत का कब जाएगा 30 से 40 रन बनाने पे, उसके जस्ट बाद आ जाएगा विराट कोहली। तो विकेट अगर जाता है तो कौन लेगा? अश्विन। सबसे ज्यादा स्कोर करता है राजस्थान की तरफ से सैमसन। यहाँ से कैप्टनसी ये हो गया। ये हेटमायर आपको बताइए कभी भी गेम चेंज कर सकता है, पड्डीकल को मैं वैसे ड्रॉप नहीं करूंगा और ये तीनों बॉलर होगा। तो ये मेरी टीम्स की स्ट्रेटजी होती है। बाकी जो जितनी भी मेरी अपडेटेड कॉम्बिनेशन टीम्स होगी वो मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोला हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ मैं आपको कि जो है टेलीग्राम पे आपको मिलेगी, ज्वाइन कर लेना। और आपको बताना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना ताकि अगली जब वीडियो आए आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करके फिर गिवअवेज का अमाउंट विन कर सको, ठीक है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। 3000 लाइक्स का टारगेट है, उम्मीद रहेगी सभी भाई।